K4, K3 दोनों अवेलेबल है। Z15 प्लस स्पेशल एडिशन, ये उसका लो बीम चल रहा है और सामने लो बीम का तो आप देख रहे हैं थ्रो ब्लू टोन में आ रहा है। ये हाई बीम है, हमने हाई बीम मारा इसको। ओके आप देख सकते हैं कि अंदर की वॉल बिल्कुल क्लियर है। साथ में एक प्रोजेक्टर लिया हुआ है, सिंगल प्रोजेक्टर का आउटपुट आपके सामने है, कितना कुछ रहने वाला है। कि हाई बीम पे ये ऐसा थ्रो बना के आता है जिसको कई लोग बैटमैन थ्रो भी कहते हैं। अगेन डिप कर दिया, मतलब फैन भी चल रहा है पीछे, ये आप देख लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन, आज हमें इनवाइट किया है विक्की भाई ने। विक्की भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए सर कैसे हैं? और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो ये चीजें जनरली हमने कभी शोकेस नहीं करी हैं। तो विक्की भाई क्या दिखाने वाले हो आज के इस वीडियो के अंदर? सबसे पहले मेरे को सारे ऑडियंस को हेलो, एंड मैं आपको आज अवेयरनेस के लिए जो मार्केट में नए ट्रेंड्स चल रहे हैं वो दिखाना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि सबको अवेयरनेस मिले बिकॉज काफी चीजें नई आ गई हैं अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, एंड लोगों का शौक और क्रेज इतना बढ़ गया है। दे वांट टू स्पेंड बट दे वेयर दे आर स्पेंडिंग इट, उनको अच्छी चीज़ कैसे मिल सकती है मैं वो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम कार की अपना जो एम्बियंस बढ़ाती है आजकल जो एक्सपेंसिव कार्स में आ रही है और मोस्ट प्रॉबली इंडियन कार्स में भी आ जाएगी, एम्बियंट लाइट्स आ रही है। दीज आर द स्ट्रिप लाइट्स जो 6 पीस में होती है, 4 दरवाजों में लगती है और 2 साइड डैशबोर्ड में लगती है डबल साइडेड, बिकॉज कई बार हमें कट करना पड़ता है डैशबोर्ड को तो 6 पीसेस टोटल हो जाते हैं। ये तो ये वो है, और ये जिमर ब्रांड में है हमारी, एंड जिमर का भी एक और नया प्रोडक्ट आया है वो है मैक्स विजन, जो कि अभी हाल ही में हमने इंट्रोड्यूस करा है मैक्स विजन, एंड इसकी भी एम्बियंस लाइट आई है विद 1 ईयर वारंटी 12 मंथ्स वारंटी। K4 K3 दोनों अवेलेबल है, मैक्स 18 इसका मॉडल नंबर होता है। ठीक है, और ये कितने पीसेज में आती है? ये आपको मिलेगी 6 से लेके 18 एंड प्लस 4 फॉर स्पीकर्स ऑल्सो, जो 4 दरवाजों में स्पीकर्स होते हैं उनके रिंग्स भी मिलेंगे, तो टोटल हमारे पास 22 पीसेज वाली अवेलेबल है। एंड इसमें एप्लीकेशन जो है वो हमने डिफरेंट थोड़ी करी है, जो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एंड वो एप्लीकेशन है ये काफ़ी नोन कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में, आई मीन जर्मन कंपनीज़ हैं, वो भी सेम एप्लीकेशन यूज़ करती हैं एंड हमारी भी सेम है। मतलब यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। यस, यूजर इंटरफेस हमारा सेम वही है, बड़ी कंपनीज का भी यही है, ये सेम इंटरफेस उन्होंने भी अडॉप्ट करा हुआ है जो हमने करा है। ठीक है जी, तो ये एम्बिएंट लाइट जो है वो सबसे पहला प्रोडक्ट आज के इस वीडियो में रहने वाला है, कि एम्बिएंट लाइट की अपने पास रेंज जो है वो अवेलेबल रहती है, सारी अवेलेबल है और सब कुछ है इसमें। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आजकल एक ट्रेंड इन लाइट्स का बहुत हो गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, जो मैं सोचता हूँ सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है, एंड एज इंडियन रोड्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे बट स्टिल लाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज ऑफ लाइट्स आपकी लाइफ सेफ होती है, आप ड्राइव कर रहे होते हैं रात को, आपकी क्या ऑपोजिट साइड से भी कोई आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देख लेंगे ढंग से तो आप ड्राइव मतलब अपना तरीके से करेंगे, एंड इफ़ समबडी इज़ कमिंग देयर फ्रॉम द फ्रंट साइड तो आपको दिख जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि लाइट जो है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो लाइट नाइट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी का है, बिकॉज इफ़ यू हैव अ लाइफ यू हैव एवरीथिंग, आपके पास जिंदगी है, जान है तो जहान है। बिल्कुल जी, कहने को तो ये है सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। इसमें 3 इंचेस के प्रोजेक्टर्स हैं हमारे पास, हमारे पास 3 इंच का प्रोजेक्टर्स है जो कि Z15 प्लस है, एंड ये 140 वॉट्स में होता है। मतलब कि बॉक्सेस वहाँ पे हैं और उनके डेमो पीसेस जो हैं वो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ जी, ये डेमो पीसेस खोल के हमने रखे हैं अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए। ये बॉक्स है Z15 प्लस, ये Z15 प्लस, बट इसके अंदर एक नया हमने इंट्रोड्यूस करा है Z15 प्लस स्पेशल एडिशन 160 वॉट Z Pro सीरीज। मतलब इसके अंदर एक प्रो सीरीज जो है वो आई हुई है। हाँ जी, ये Z15 है, जो प्रो सीरीज़ है वो ये है, 160 वॉट्स में है, एंड लेंस साइज सेम रहेगा? लेंस बिल्कुल साइज सेम है, दोनों ये 3 इंच है, ये दोनों 3 इंच है, और हालांकि ये भी 3 इंच है। सो इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि अराउंड 50 to 100 meters थ्रू बेटर है, बट मैं सोचता हूँ प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, इकोनॉमिकल है एंड गुड फॉर द ड्राइविंग। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये 3x3 है, ये काफ़ी कार्स में लगता है, आपका सुजुकी में लगता है, ये आपका फोर्ड इको स्पोर्ट्स में लगता है, होंडा सिटी में लगता है, आपका टोयोटा में लगता है, काफ़ी कार्स हैं जो 3 इंच की जगह देती हैं अपने बम्पर में और उसमें ये लगता है।
मतलब कि इजी टू फिट है और काफी यूनिवर्सल साइज है। हाँ जी, और आज हम आपको इसका एक फिटमेंट का भी दिखाएंगे वीडियो लेटर ऑन जो बेलिनो में हमने लगाया है, और उसका थ्रो भी दिखाएंगे रात को आपको। अच्छा, अब इसमें हमारा एक मॉडल है M15 जो कि मैक्स विजन, जो मैं आपको बता रहा था जिमर का ही ब्रांड है। इसकी पैकिंग कुछ ऐसी है। और इसमें क्या डिफरेंट मिलने वाला है? इसमें डिफरेंस ये मिलेगा, इसमें आपको डेविल मिलेगा। डेविल क्या होता है भाई? इसके अंदर डेविल होगा जो कि हम डेनिम आए एक और वर्ड यूज करते हैं, वो ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका आप रेड कलर या ब्लू कलर वो चूज करके आप रख सकते हैं जो कि आपके पार्किंग मोड में चलता है, बट आप जब लाइट ऑन करेंगे वो रहेगा आपका चालू एंड आपका थ्रो जो होगा वो आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा कुछ मतलब देखना है वीडियो, तो आप india.zimmer की इंस्टाग्राम पे भी उसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसमें एक हमने प्रोमो वीडियो अपलोड करा हुआ है, तो कस्टमर्स की अवेयरनेस के लिए है। बट मैं ये भी बताऊंगा अपने कस्टमर्स को कि अगर आप डेविल लगाते हैं तो इसके रिस्पॉन्स और जो आपका प्रोजेक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें अराउंड 10% का विजिबिलिटी का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डेविल के लिए अलग से एक अंदर LED होती है जो थोड़ा सा असर डालती है आपका थ्रो में। एक हमारा मतलब जो विदाउट डेविल है वो M15 प्लस है, ये मैक्स विजन का ही मॉडल है। और ये कौन सा वाला रहने वाला है? ये रहेगा आपका सेम यही बॉडी में। एंड इसके अंदर और भी एक चीज़ आपको बताता हूँ हमारे प्रोजेक्टर्स में, जो मैं आपको बताना भूल गया सॉरी, कि ये हमारी कपलर टू कपलर फिटिंग है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर हमारी गाड़ी की टेम्परिंग नहीं होती है वायरिंग में। और इसमें वो सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है, इसमें हाई अपना हाई और लो भी वर्क करता है। हाँ जी, हाई लो दोनों वर्क करेंगे, सारे प्रोजेक्टर्स में दोनों मोड्स हैं उसके हाई लो के। कस्टमर चाहे तो अपना सिंगल बीम भी अडॉप्ट कर सकता है, बिकॉज वो उसके ऊपर है। अगर वो दोनों चाहे तो वो इंस्टॉल दोनों को ऑन करा सकते हैं, सिंगल में रखना चाहे तो सिंगल में रखा। मतलब उसमें वायरिंग दी होती है और आपको कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है साथ में। वायरिंग उसमें होती है और उसके अंदर शटर होता है जो ओपन हो जाता है कि हाई बीम के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ नहीं और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, जो कि मैं अपने कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ, जिनको लाइट्स का और क्रेज़ है, उनको और कुछ अलग चाहिए, तो हमारा जिमर का Z15 ट्रायो आया है। ट्रायो का मतलब ये है, इसके अंदर तीन कलर टेम्परेचर्स है। फर्स्ट इज आपका 3000 केल्विन, सेकंड इज आपका 4300 केल्विन एंड थर्ड इज 6000 केल्विन। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये समझाइए मुझे, क्योंकि मैं तो केल्विन वगैरह समझता नहीं, कलर कोडिंग बताइए कौन कौन से कलर मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, जो 3000 केल्विन होता है वो कलर टेम्परेचर आपका प्योर येलो होता है। ठीक है, जो 4300 केल्विन कलर टेम्परेचर होता है वो नेचुरल सनलाइट कलर होता है, मतलब मिक्स हो जाता है उसके अंदर, जो आपका व्हाइट और येलो का मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर आता है, जो आपका कार में ओरिजिनल बल्ब में ही आता है, हैलोजन बल्ब जो उसके आते हैं वो सेम वो कलर होता है 4300 केल्विन। 6000 केल्विन जो होता है वो कूल व्हाइट होता है। ओके, तो इसमें तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। मतलब तो ये तो काफी बेनिफिशियल एक्सेसरी हो जाती है कि आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप जिस तरीके से चाहते हो या विंटर्स वगैरह में यूज करना चाहते हो तो आप रेनी सीजन में आप 4300 कर सकते हैं, विंटर्स में फॉग में आप 3000 कर सकते हैं, एंड इन सिटी रोड्स आप अपना 6000 केल्विन यूज कर सकते हैं, बट कॉस्ट मैं आपको बताऊं इसमें ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्टर्स हैं, ये जिमर का ऑक्सिलरी प्रोजेक्टर है। और ये इंस्टॉल कहाँ होता है? ये बेसिकली कुछ कार्स आ रही हैं, जैसे वेन्यू आ रही है। हाँ जी। वेन्यू में अभी फॉग लाइट के लिए स्पेस नहीं है, स्कॉर्पियो में स्पेस नहीं है, एंड कस्टमर को अगर चाहिए जैसे इनोवा में चाहिए, उसको कहता है मेरे को इनोवा में अपना लाइट नहीं पसंद आ रही, तो एक्चुअली ग्रिल में भी लग जाती है और ये आपका फेंडर के पास भी लग जाती है, पिलर पे भी लग जाती है, आप इसको थार में पिलर के पास लगा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर फिटिंग सारी दी है। ये देखिए दो स्क्रू ऊपर से दिए हैं, इसके अंदर ये नीचे से भी दिए हैं, ये साइड से भी दिए हैं, मतलब कि कॉम्पैक्ट साइज है, तो आप जहाँ पे जिस तरीके की गाड़ी है जहाँ पे आपको जगह दिखती है उस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसका क्या लेंस साइज रहने वाला है? इसका जो लेंस आई है ये बाईफोकल है, ये 1.8 होता है आपका, देख रहे हैं आप कट रहा है वो बीच में डायमंड टाइप का कट है ये, तो 1.8 होता है और 1.8 से हल्का सा बड़ा होगा, बट इट कैन फिक्स इट एनी 2 इंच ऑल्सो, बाहर अलग से लगाना ही आराम से लग सकता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट का दिखा रहे हो बीके भाई? इसमें एक चीज़ नेक्स्ट में आपको बताना भूल गया, वो ये था कि हमारे पास प्रोजेक्टर्स जो हैं वो 80 वॉट से 160 वॉट्स तक अवेलेबल हैं। इसका लो बीम है 80 वॉट्स एंड हाई बीम है 100 वॉट्स। ओके, तो मतलब और बाकी इनके तो आपने बताए दिए थे मैंने 160 के आसपास है।
ये हमारा ओरिजिनल 2 इंच प्रोजेक्टर है, अगेन 80 एंड लो बीम पे 80 है, हाई बीम पे 100 है, एंड ये 2 इंच का प्रोजेक्टर है जो कि आपका वर्ना फ्लूडिक एंड आपका I10 नियोस एंड काफ़ी कार्स हैं जो 2 इंच की प्रोजेक्टर्स की जगह मतलब प्रोवाइड करती हैं और उसके हम बम्पर्स में हम ये लगाते हैं, इनोवा क्रिस्टा के अंदर ये लगता है, काफ़ी ऐसी कार्स हैं जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और हर एक वैरायटीज के हिसाब से, हर एक कार के हिसाब से प्रोजेक्टर्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं जिमर के पास। एक चीज़ और है जो हम करके देते हैं मॉडिफिकेशन, वो ये होता है जैसे आपने किया सेल्टोस में टॉप मॉडल लिया, टॉप एंड, हाँ जी, उसका हेडलाइट का बीम थ्रो बहुत ख़राब है। वो एक्चुअली ख़राब इसलिए है क्योंकि कुछ कंपनीज अपने स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से प्रोवाइड कराती हैं हेडलैम्प की पावर या ब्राइटनेस या ल्यूमेंस, तो उसके अंदर उन्होंने LED दिया बट वो अनसक्सेसफुल रहा फॉर इंडियन रोड्स। तो हम उसके लिए प्रोजेक्टर्स लाए हैं, यह इजीली इंस्टॉल्ड हो जाता है जो उसके हेडलैम्प के अंदर होता है, हेडलाइट के अंदर होता है ये, क्योंकि वहाँ तो रिफ्लेक्टर्स हेडलैम्प आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो हम उसके अंदर ये इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी में एक हमारा ये प्रोजेक्टर है, ये भी हेडलैम्प के लिए ही है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, एक फिटिंग और भी है हमारी, ये अगेन हेडलैम्प वाला ही है। और आजकल मैंने देखा है कि कई कंपनीज इसको फॉग लैम्प के लिए प्रोजेक्टर को दे रही हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता, पर्सनल ओपिनियन है ये मेरा। वो क्यों ओपिनियन है, बिकॉज ये वाटरप्रूफ नहीं होता। हाँ, वो कंपनीज अपना ये वारंटी देती है, बिकॉज एक साल की वारंटी, हमारे भी प्रोडक्ट्स में 1 साल 2 साल की वारंटीज़ हैं काफ़ीज़ में, और हम भी देते हैं इसकी, बट 1 साल तक तो ये अगर चला उसके बाद ख़राब हो गया, बिकॉज इट्स नॉट वाटरप्रूफ। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये वाटरप्रूफ नहीं है, बिल्कुल ओपन, आप इसको कह सकते हैं ओपन है, ये बॉडी है बट ओपन है, ओपन है, बट ये अगर 1 साल बाद खराब हुआ आपका, 1.5-2 साल बाद हुआ खराब, तो आपको ये इसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है। हाँ, इसका एडवांटेज ये है जो मैं आपको बता रहा था सेल्टोस के लिए या दूसरी कार्स के लिए, ये इसकी फिटमेंट है, ये इसको फिट कर दिया, ये आपका पीछे से रिफ्लेक्टर के थ्रू आप इसको मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई एडिशनल LED लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ये बेसिकली जो इनबिल्ट LEDs आ रही हैं हेडलैम्प्स में, जैसे कि टॉप मॉडल होंडा सिटी हो गई, आपका सेल्टोस हो गई, आपका क्रेटा हो गई, उसमें कंपनी की अपनी वो आती हैं, ये जो होती है हेडलैम्प्स LED के साथ। ये इसका HB3 9005 होल्डर है, ये आप इसमें लगा सकते हैं। ये H7 का है, H7 की कार के लिए, ये आपका H4 का है, बट अगर आपको उन LEDs में लगाना है तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा विद रिफ्लेक्टर, ये पीछे से ऐसे लग जाएगा। ओके, मतलब फिटिंग के साथ आपको ये मिलने वाला है? बिल्कुल, फिटिंग भी आपको अलग अलग जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, कार किस तरीके की है उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। अब मैं आपको हमारी जो LEDs की रेंज है मैं आपको वो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्पेशल प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो कि विंटर्स में बहुत यूजफुल है, अगेन मैक्सविजन हमारा ब्रांड जो जिमर का ही है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कॉपर ट्यूब्स 2 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ओरिजिनल कॉपर है। कई LEDs आ रही हैं जिसमें ये सिल्वर होता है, वो एल्यूमिनियम होता है, तो उनका लाइफ स्पैन उतना ही कम होता है, बिकॉज LED जब गर्म होती है तो उसको कॉपर हीट को जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करती है और बाहर कर देती है, ठंडा रखती है उसको, हीट डिसिपेशन ज़्यादा अच्छा होता है। वही। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक LED चिप्स दिखाऊंगा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट इसका बता रहा था। इसमें देखिए LED चिप है, क्योंकि आप देख सकते हैं कलर का डिफरेंस है, एंड ये 150 वॉट्स में है, और इसके अंदर ये है कि इसमें आप 3 कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, अगेन वही कलर्स 3000 केल्विन, 4300 केल्विन एंड 6000 केल्विन। इसमें सारे होल्डर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, आपको जौन सा चाहिए वो मिलेगा। तो वीके भाई, LED तो आप दिखा रहे हो लेकिन यहाँ पे कुछ बॉक्सेज जो है वो आपने दिखाना भूल गए शायद से, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे Z1 अभी तक आपने इसको दिखाया नहीं है, और कुछ और बॉक्सेज भी मैं देख रहा हूँ लाइक फॉगमैन वगैरह के और ऑटो की वगैरह के, तो ये सब चीज़ें भी आप इम्पोर्ट करते हो? हाँ जी बिल्कुल करते हैं ये चीज़ें इम्पोर्ट, ये मैं आपको बताना भूल गया वीडियो में, मेरा ध्यान नहीं गया, और हालांकि हमने इसको प्रोडक्ट को यहाँ रखा नहीं हुआ था। हाँ जी, बेसिकली ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो हेडलैम्प के हमारे अपना जो हेडलैम्प में हमारे को प्रोजेक्टर्स लगाने हैं उसके लिए होते हैं। ये Z1 जो है ये OEM प्रोजेक्टर को रिमूव करने के लिए, हमारी वर्ना कार है जो कि टॉप मोस्ट मॉडल हो, अगर उसका जो ओरिजिनल कंपनी का जो प्रोजेक्टर है अगर वो फेड हो जाता है, उसमें लाइट नहीं बनती है किसी भी तरीके से, तो वो हम इसमें ये रिमूव करके लगाते हैं। ऐसी ऑडी, मर्सिडीज़ जैसे और
जो और एक्सपेंसिव कार्स हैं, जैसे आपका फॉर्चुनर है जिनमें अपना कंपनी फिटेड प्रोजेक्टर्स आते हैं, वो एक टाइम पे वीक पड़ जाते हैं, तो हम Z1 Pro को लगा के हम उसको कस्टमाइज करके अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है। और ये ऑटो की जो है ये टेक्नोलॉजी हमारी HID वाली है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये भी, और इसको हम यूज़ करते हैं। काफ़ी कस्टमर्स ये कहते हैं कि जी हमें HID चाहिए, बिकॉज HID का जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रहता है लाइफ स्पैन के हिसाब से। LED का जो है वो मेरे को जहाँ तक खुद को लगता है कि कुछ टाइम बाद हल्की हो जाती है, फेड होती है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी ठीक है, अब जो नई जनरेशन है वो LED में ही आएगी, LED में कन्वर्ट होगी। अब मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि हमारी नई जनरेशन के लिए हम क्या क्या लाए हैं। लिक्विड मेटल LED लाइटनिंग, इसके अंदर ये कूलिंग रेडिएटर के साथ होती है LED, 300 वॉट के अंदर है, ये हमारी मैक्स विजन में ही है बाय ज़िमर। ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कूलिंग रेडिएटर है। इस LED का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये LED की बॉडी गर्म नहीं होती है। जैसे लिक्विड लिखा हुआ है तो क्या इसमें लिक्विड सर्कुलेट होगा? इसके अंदर लिक्विड ऐसा है जो नहीं सर्कुलेट नहीं होगा एक्चुअली। ये जो कूलिंग रेडिएटर है, हाँ, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, हमारी सारी LEDs प्रोजेक्टर्स ये वाटरप्रूफ है। मैं आपको इसका एविडेंस अभी वीडियो में भी दे सकता हूँ आपको, मैं लास्ट में जब वीडियो खत्म करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा LED को अंदर डाल के और जलते हुए दिखाऊंगा। ओके। अब ये हमें, मैंने आपको 300 वाट की दिखाई, इसी में हमारी 250 वाट्स की भी है जो कि फोकस 250 वाट्स 24,000 केल्विन ज़िमर। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन रहता है। हाँ जी, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसी में हमारी जो कूलिंग रेडिएटर के साथ, मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, ये 220 वॉट्स मैक्स विजन ज़िमर की है। अगेन हमारे पास 200 वॉट्स की है, हमारे पास 220, 200, 240 एंड 140। ये बॉडी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, ये बॉडी बहुत पॉपुलर है। ये हमारी हाइपरविजन हमारा ब्रांड है, उसमें हम इसने इसको इंट्रोड्यूस करा, और इसकी सेल मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मोस्ट पॉपुलर LED है इन इंडिया। काफ़ी टॉप सेलिंग में आ जाती है, टॉप सेलिंग में आती है। काफ़ी ब्रांड्स ये यूज़ करते हैं सेम बॉडी। अब सेम क्या होता है कि जी कोई पेटेंट तो है नहीं बॉडी का, तो हम भी वही यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अच्छा, हमारी फॉग लाइट के लिए एक ये 110 वॉट्स की है हमारी, ये फॉग लैम्प के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं फॉग लैम्प में भी हमने 6-chip LED दी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सस्ती LEDs में काफ़ी कंपनीज इंडिया में कॉपर यूज़ नहीं करती हैं, ये देख रहे हैं आप, हमने इसमें कॉपर भी यूज़ करा है, ये देखिए। तो मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको जैसे डायनामाइका बता, कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई जो कि अभी समझ नहीं आई है मुझे भी। मैं सब समझाऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं चाहता हूँ हमारे कस्टमर्स और हमारे ऑडियंस अपना हर चीज़ को देखे समझे। ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये डायनामाई मैंने आपको बताया था, इसको डेविल आई भी कहते हैं, डायनामाई भी कहते हैं। ये कार के ओरिजिनल जो कंपनी के प्रोजेक्टर्स आते हैं उसमें भी लग जाता है। ऑटो की लगा रहे हैं इसमें भी लग जाएगा, आप हेडलैम्प वाला ये प्रोजेक्टर लगा रहे हैं इसमें भी लग जाएगा, फॉग लैम्प वाले में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसील्ड होता है, एक बार सील हो गया उसको हम नहीं खोल सकते, वो दोबारा वाटरप्रूफ नहीं बन सकता प्रोजेक्टर फिर इंडिया में, तो वो फैक्ट्री फिटेड है, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, ये वाले जो है हम हेडलैम्प वाले इसलिए खोल लेते हैं, उसमें लगा देते हैं, बिकॉज उसके बाद हेडलैम्प भी हम पूरी पेस्टिंग से वाटरप्रूफिंग करते हैं, बाइक सिलिकॉन वगैरह लगाते थे। हाँ जी, सिलिकॉन वगैरह लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको हमारे इससे कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए एप्लीकेशन से आप ये देख सकते हैं, ये जंपिंग कलर्स वगैरह चेंजिंग कलर सब आएगा, ये देखिए लाइक K3, K4 जिस तरीके से वर्क करती है, K3 बेसिकली वर्क करती है, सेम वही पैटर्न यहाँ पर वही है। इसमें म्यूजिक पैटर्न भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ये देख रहे हैं आप, म्यूजिक पैटर्न में अगर हम कर रहे हैं तो वैसे चल रहा है, ये देखिए मैं आपको एक गाने के बीट के साथ भी ये देखिए। ओके, तो ये इस तरीके से जो है वो एक मतलब अलग लेवल का जो मॉडिफिकेशन कह सकते हो हेडलाइट के अंदर वो आपको मिल जाने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास D सीरीज़ की सारी LEDs हैं, D5, D8, D1, D3, D2, D4, ये सारी LEDs हैं। तो ये D सीरीज़ कहाँ लगती होंगी? ये D सीरीज़ जो है आज की डेट में टाटा ने अपनी कार्स में देना चालू कर दिया है, जैसे कि सफारी में आ रही है, हैरियर में आ रही है, आपका ऑडी में आती है, मर्सिडीज़ में आती है, वॉल्सवैगन की बड़ी गाड़ियों में आती है, वॉल्सवैगन की जो जेटा वगैरह है उसमें आती है, उसमें एक बल्ब साइज़ आता है वॉल्सवैगन में H15, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। H15 अवेलेबल है, 5202 वो भी अवेलेबल है हमारे पास, H16 भी अवेलेबल है, आपका काफ़ी जो साइजेस मार्केट में नहीं मिलते हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास आपको कैनवस भी एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कैनवस भी होते हैं, जो कि
कैनवस जो हम यूज़ करते हैं, जैसे स्कॉर्पियो कार में आपका आज की डेट में आप अगर कोई भी LED लगाते हैं उसको बाईपास नहीं कर पाती है, बट वो कैनवस बाईपास कर देता है, और कैनवस से आपका सेल्टोस में फॉग लाइट चेंज होती है, सेल्टोस में अगर हेडलाइट चेंज होती है तो कैनवस की रिक्वायरमेंट आती है, वो कैनवस लगता है। एट प्रेजेंट वो यहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको मेक श्योर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर वो दिखाऊंगा वो चीज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कुछ धमाके आने वाले हैं। बिल्कुल आएंगे धमाके, नए प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे। हमारे HID बल्ब भी हैं हमारे पास, जो कि 4300 केल्विन में सारे बल्ब साइज अवेलेबल है हमारे पास। 4300 केल्विन में H8 देखिए दिखाया मैंने अभी, हमारे पास 6000 भी अवेलेबल है, हमारे पास ये 8000 केल्विन भी अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब प्योर वाइट, ये हल्का सा ब्लू टिंट में हो जाता है, बट वाइट में ही काउंट होता है। 6000 कूल वाइट में आता है। हमारे पास सारी एसेसरीज जो प्रोजेक्टर्स के लिए यूज होती है वो भी है, ग्लव्स वगैरह यूज करे जाते हैं जो कि हम साथ में देते हैं कि गाड़ी के लेंस के ऊपर कोई निशान ना आए। ये इंस्टॉलेशन के टाइम में यूज होंगे? हाँ जी, इंस्टॉलेशन के टाइम में यूज होंगे। ये हमारी 150 वॉट वाली LED है, जो कि शायद मैंने यहाँ पे नहीं रखी हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा। देख सकते हैं हमारी 150 वॉट्स में है, फोकस में है ये ब्रांड हमारा, और जिमर का ही है फोकस। ठीक है जी। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बताना चाहूँगा, जो कि कार सेफ्टी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा हॉर्न है हाइड्रोसोनिक, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से है पूरा हॉर्न। इसके अंदर प्योर कॉपर कॉइल है, सारे चीज़ें जो है कॉपर की हैं। इसकी साउंड सेम क्रेटा जैसी है, जो कि पॉपुलर है, जो कि बहुत पॉपुलर है एट प्रेजेंट इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये हमारा जो ब्रांड है हाइड्रोसोनिक, ये धमाका है, धमाका मतलब ये ऐसा धमाका है, सबसे बड़ी चीज़ सबसे छोटा है, जो कि इजीली इंस्टॉल्ड होता है, ग्रिल में नहीं अटकता। आवाज़ जो है वो क्रेटा जैसी है, और ये छोटा बम्प बड़ा धमाका है। इसमें हमारा एक फोकस, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये फोकस की हमारी पैकिंग है। बाकी नई चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, बिकॉज आज काफ़ी चीज़ें दिखा दी हैं और वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम अब आपको लेके चलते हैं सीधा आपको परफॉर्मेंस दिखाने। बट जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक आधा प्रोजेक्टर यहाँ पे भी देखिए कि उसका यहाँ पे थ्रो कैसे आता है। आउटपुट दिखाने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे इसको कनेक्ट जो है वो कर दिया है। तो विक्की भाई बताइए कैसा कुछ रहने वाला है इसका। ये देखिए आप थ्रो, आप देख सकते हैं कि बीच में जहाँ पे आप ड्राइव करते हैं, जो कि मेन थ्रो जाता है विजन के लिए आगे, इस जगह पे ये देखिए बीच में है, बिल्कुल देखिए उसकी ब्राइटनेस आप चेक करिए, मतलब वहाँ पे एक अच्छा फोकस जो है अभी भी बाकी है, अभी भी आ रहा है। अभी हमने हालांकि इधर AC करंट से हमने सिर्फ और सिर्फ छोटे एलिमिनेटर को लिया है, ये बैटरी का करंट जितना नहीं है, बैटरी पे और ज़्यादा पावरफुल चलता है कार की, क्योंकि इसके एम्पेयर कम है काफ़ी। ठीक है जी। इसकी हाई बीम भी हम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए हाई बीम। हाई बीम के अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे का रेडियस भी बन रहा है, जो कि नीचे का जो सरफेस होता है कार के नीचे जो रोड होती है उसको भी क्लियर करेगा विजन में, और आगे थ्रो मारने के लिए भी हो रहा है। देखिए मतलब गड्ढे बिल्कुल, चाहे वो पास के हो चाहे वो दूर के हो, क्लियर दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे। जो आप देख रहे हैं सामने, इसमें एक रेक्टेंगल शेप का वो बन रहा है ऊपर की तरफ बीम पैटर्न, उसको एक बार होल्ड करके रखना हाई बीम को, हाई बीम करो उसको बंद मत करना। ये देख, अच्छा अच्छी लाइट की एक चीज़ और होती है कि उसमें शेडो का पता लगता है, ये मेरे हाथों से पता लग रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त चीज़ है। और ये तो सिंगल प्रोजेक्टर अभी आपको यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, और डुअल प्रोजेक्टर होगा जब पूरा सेटअप लगेगा तो फिर तो मतलब रोशनी के अंदर बहुत ज़्यादा कमाल हो जाने वाला है। यस, और दूसरी बात जैसे अभी बताई विक्की भाई ने कि इसमें अभी लो पावर आ रही है, जब एक्चुअल पावर आएगी तो उसके अंदर तो और ज़्यादा धमाका हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये तो एक छोटा सा आपको नमूना दिखाया है हम लोगों ने, अब एक इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें अभी भी मैं देख रहा हूँ विक्की भाई वो रह गई हैं, जैसे कि यहाँ बॉक्सेस में कुछ सामान आपने छोड़े हुए हैं। ये हमारा जिमर का HID है, जो कि 65 वॉट्स में है, प्रो सीरीज, और इसका ब्लास्टर ये होता है HID की। फिर मैं वो कहूँगा कि पर्सनली मुझे अच्छा लगता है कि HID का जो एक स्पैन होता है लाइटनिंग का, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और सॉरी टू से कि LED में थोड़ा सा कम होता है। मैं लाइफ स्पैन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफेक्ट मतलब ख़राब होने की, मैं एक रोशनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल LED तो हर चीज़ में ही है। LED तो अब तो ट्यूबलाइट को भी ख़त्म हो गया, LED का सारा ज़माना है। ये हमारा 75 हाइपरविजन में है, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास सारे स्पेयर्स अवेलेबल हैं, हमारे किसी भी ऑडियंस या किसी भी कस्टमर को कोई भी स्पेयर चाहिए, अगर सिंगल ब्लास्टर चाहिए, बल्ब चाहिए, हम देंगे विद वारंटी विदाउट वारंटी, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। आप एक बारी पूरा लुक ले लीजिए, देखिए कि कस्टमर्स को सब कुछ दिखे इसके अंदर। तो आपके सामने है किस किस तरीके के प्रोडक्ट, ये तो कुछ मतलब एक छोटा सा ग्लिम है। हाँ, इसके बाद भी और चीजें हैं जो कि आप जो अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मैं एज एन हाईलाइट यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हो। मैक्स विजन है, चाहे वो अपना जिमर हो। और अब बढ़ते हैं इस LED की तरफ, जिसको हमने एक बार इंस्टॉल करना है गाड़ी में, और इंस्टॉलेशन दिखाएंगे, साथ ही साथ उसका आउटपुट भी चेकआउट करवाएंगे कैसा कुछ रहने वाला, ताकि वीडियो एक्चुअल में आपको मजा आए।
बिफोर लिविंग मैं आपको ये भी बताऊंगा, हमारे जो प्रोजेक्टर्स हैं उसमें लेज़र भी है और लेज़र के न्यू मॉडल्स भी आ रहे हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस में दिखाएंगे। अब चलते हैं हम अपना गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों आफ्टर अनबॉक्सिंग अब आपको दिखाते हैं इसका इंस्टॉलेशन जो है वो कैसा कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रोजेक्टर जो है वो देख लीजिए, किस तरीके का प्रोजेक्टर जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो विक्की भाई ये बताइए सबसे पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कैसी फिटिंग रहने वाली है? कपलर टू कपलर फिटिंग रहेगी ये, और एग्जैक्टली 3 इंच की साइज वाली फिटिंग रहेगी, जो कि हमारे प्रॉपर ओरिजिनल OEM फिटिंग के अंदर इंस्टॉल होगा इस फॉग लाइट के अंदर। ठीक है जी। और जो कि जनरली आती है, अगर आप मारुति गाड़ियां लें चाहे आप टाटा की गाड़ियां लें, सब में ऑलमोस्ट साइज जो है सेम रहने वाला है। सेम रहता है। तो आप इसको जो है आराम से इसको यहां पे असेंबल जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो है वो बम्पर को यहां पर, क्योंकि अलग अलग गाड़ी का अलग अलग हिसाब किताब होता है, इस वाली बलिनो हमारे सामने खड़ी है तो इसमें बम्पर जो है वो खुलेगा पहले। बिल्कुल खुलेगा। तो दोस्तों बम्पर को जो है वो खोल दिया गया है, और यहाँ पे जो अभी इस वाली कार के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपनी से जो फॉग लाइट है वो लगी हुई थी उसको रिमूव कर दिया है, और भाई ने अपने हाथ में जो फॉग लाइट है वो पकड़ी हुई। सबसे पहले इसकी जो यहाँ पे वायरिंग है वो दिखाना चाहूँगा आपको मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वायरिंग बाय कपलर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें बेसिकली पहले से LED जो है वो लगी हुई थी, तो अब ये लगा रहे हैं। पहले साइज दिखाइए विक्की भाई, साइज बिल्कुल प्रॉपर रहने वाला है, इसको आप निकाल दीजिए। हाँ जी, इसके अंदर ये बेनिफिट है कि प्रॉपर कंपनी के OEM साइज के साथ बिल्कुल फिट हो जाएगा, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एडजस्टमेंट के लिए। पूरा W बनेगा जब लाइट ऑन होगी, W बनेगा। तो फाइनली दोस्तों अपना एक साइड का जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ पर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, और आप इसकी गोलाई वगैरह चेक कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। एक बार आपको बिफोर लुक जो है वो चेक करवा देता हूँ। तो ये बिफोर लुक रहने वाला है, और यहाँ पे आप इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो चेक कर सकते हो, और ये आफ्टर वाली जो फिनिशिंग वगैरह है वो चेक कर सकते हो। एक कंप्लीट लग चुका है, अब दूसरा वाला लगता है, और उसके बाद आपको नाइट टाइम का वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके का निकल कर आता है। A few moments later. अभी जो है ये फॉग लैंप प्रोजेक्टर जो हमें Z15 हमने लगाया है, हाँ जी, ये उसका लो बीम चल रहा है, और सामने लो बीम का आप देख रहे हैं थ्रो ब्लू टोन में आ रहा है। अभी हम इसका आपको हाई बीम दिखाते हैं, एंड आप देख रहे हैं लो बीम में सामने ब्लू शेड आ रहा है। हाँ जो ब्लू शेड आ रहा है वो लो बीम का एक अच्छे प्रोजेक्टर्स का वो होता है रिजल्ट, के उसके अंदर उसकी ग्लेयर आती है प्रोजेक्टर की। वो देखिए आप सामने लाइट के जो कार खड़ी है स्विफ्ट, उसके हेडलैम्प्स के ऊपर ब्लू कलर आ रहा है, प्रॉपर दीवार पे चलता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं एक बार हाई बीम जो है वो भी आपको चेक करवा कर रहा हूं। तो हाई बीम आप देखिएगा कैसे इसका थ्रो देगा आपको। ये हाई बीम है, हमने हाई बीम मारा इसको। ओके, आप देख सकते हैं कि अंदर की वॉल बिल्कुल क्लियर है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर। ये अंधेरा है, ये अपना लो बीम, ये अपना लो बीम है, और ये अपना हाई बीम। तो प्रॉपर जो है तीनों अपने आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब डिफरेंस आप खुद से यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बंद कंडीशन में कितना है और अपना जो है रनिंग कंडीशन में कितना है। एग्जैक्टली। इवन लो बीम भी इसका काफ़ी आपको एक अच्छा आउटपुट देता हुआ नज़र आने वाला है, ये आप देख लीजिए। अभी हम इसके साथ आपको और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम दिखाएंगे यहाँ पे आपको। अभी एट प्रेजेंट जो हमारी लोकेशन है, अभी उस वक्त ऑफ वर्कशॉप में हमारी कई चीज़ें रह गई थी, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हाथ में एक प्रोजेक्टर लिया हुआ है, सिंगल प्रोजेक्टर का आउटपुट आपके सामने है, कितना कुछ रहने वाला है। तो विक्की भाई सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन सा प्रोजेक्टर रहने वाला है? अपकमिंग प्रोजेक्टर है हमारा, एंड इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बिकॉज मेरे को पास ये प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ऑडियंस को ये दिखाएं। एक ही ग्लिम्स कह सकते हैं इसका। हाई बीम का मैं आपको थ्रो दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिए। ये हाई बीम का जो थ्रो है ये 5000 केल्विन में है, जो कि रेनी सीजन और एज वेल एज आपका विंटर्स में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। आप देख सकते हैं कि हाई बीम जो इसका हम कर रहे हैं, एक बार रोकना हाई बीम को, चला के हाई बीम रोक, अंदर वाला जो पिलर है वो भी देखिए कितना क्लियर नज़र आ रहा है जो हॉल के अंदर है, आप देख रहे हैं। चलो अभी हम इसको बंद करते हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा जल्दी में दिखाएंगे आपको। हो गया है। इसके अलावा किसी भाई, विक्की भाई ये बताइए कि बहुत से लोगों का आता है डाउट के जो हेडलाइट प्रोजेक्टर्स होते हैं आफ्टर सम टाइम उसके अंदर लाइट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। हाँ, जो OEM प्रोजेक्टर्स होते हैं उनका भी एक लाइफ स्पैन होती है और वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाते हैं, एंड OEM प्रोजेक्टर्स को रिप्लेसमेंट हम खुद भी करते हैं, और काफ़ी मतलब शॉप्स हैं जो करती हैं। हमारे भी प्रोडक्ट्स हैं, ये OEM प्रोजेक्टर है हेडलैम्प के लिए, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ ऑन करके, आप देखिएगा। ये आप देखिए, ये सिंगल पीस का रिजल्ट है OEM प्रोजेक्टर का, आप देखिए अंदर हॉल के अंदर कितनी अच्छा इसका इफेक्ट है। अभी मैं इसकी हाई बीम ऑन करूंगा और वो दिखाऊंगा आपको, ये इसका हाई बीम है।
और ये जो आप हम आपको शो कर रहे हैं ये एक हमने यहाँ पे सेटअप के थ्रू आपको दिखा रहे हैं, और बैटरी का आउटपुट तो इससे ज़्यादा अच्छा होता होगा बैटरी का, बट ऑब्वियस है बिकॉज ये अपना डिटेचेबल बैटरी पे चल रही है इस टाइम, और छोटी बैटरी है, और ये डेमो बनाया हमने पूरा एग्जैक्टली, और ये डेमो आप देख रहे हैं, डेमो बनाया ये इसका, ये लो बीम है अभी और मैं आपको हाई बीम दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो प्रोजेक्टर का इफेक्ट आपके सामने है, तो मतलब हेडलाइट वालों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपकी हेडलाइट जो है वीक हो चुकी है तो आप इसको भी जो है अपडेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और सिंगल का आउटपुट ऐसा है तो डबल का आउटपुट कैसा होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हो, टू टाइम्स हो जाएगा इसके अंदर। हाँ जी। अब ये तो बात हो गई हेडलाइट के प्रोजेक्टर्स की, अगर कोई गाड़ी ऐसी है लाइक किया वगैरह जो है ऑफर कर रही है, ह्युंडई ऑफर कर रही है छोटे वाले प्रोजेक्टर्स, उनके लिए भी ऑप्शन है अपने पास? वो भी है हमारे पास, ये हम दिखाते हैं एक बार चला के आपको। ये 2 इंच का प्रोजेक्टर है हमारा जिमर का, ये 2 इंच का प्रोजेक्टर है, अभी ये लो बीम पे चल रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल विजन क्लियर है, अंदर हॉल के अंदर बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है, और अभी सिंगल पीस चल रहा है, ये दो पीस मतलब पेयर होता है जो पूरा लगता है 2 इंच में, आप मतलब कि आप इसका अगर यूज़ करोगे तो हेडलाइट जलाने की कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड मोर ओवर ये काफ़ी कार्स, टोयोटा की कार्स हो गई, हुंडई की कार्स हो गई, इन कार्स में ये लगता है। हाई बीम करना मिला जी, ये देखिए हाई बीम बिल्कुल क्लियर आपका अंदर का हॉल का, ये देखिए हाई बीम पे ये ऐसा थ्रो बना के आता है। हाँ। जिसको कई लोग बैटमैन थ्रो भी कहते हैं। ओके। और अभी हाथ में रखा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबल आप देख रहे होगे, बट जब पोजीशन पे सेट हो जाएगा तो बिल्कुल आपको जिस तरीके का आउटपुट आना चाहिए उस तरीके का आउटपुट ये ऑफर करेगा। और मैं आपको इसके साथ हमारी 220 वॉट्स की एलईडी है, मैं आज उसका ये आपको टेस्ट रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ, जो कि थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मैं। तो एक टेस्ट जो है वो करने वाले हैं जो कि शायद से कभी किसी ने आपको शो ना किया हो। हमारी हमारे प्रोजेक्टर्स जो हैं, जो फॉग लैंप प्रोजेक्टर्स हैं, वो ऑल ऑफ देम आर वाटरप्रूफ, वो आप मतलब किसी भी कंडीशन में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अपनी एलईडी भी चेक कर रहा हूँ लाइव, आपको आपको दिखा रहा हूँ इस अभी यहाँ पे, ये वाटर मैंने फिल करा है एक ग्लास में, एंड आप देख सकते हैं कि ये मैं इसके अंदर पूरा डाल दूंगा एलईडी को, और ये देखिए पूरा डिप कर दिया मैंने, फैन इनसाइड है अभी भी और बबल्स भी आ चुके हैं, यानी कि पानी पूरा भर चुका है अंदर की तरफ, ये आप देख लीजिए, और ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। तो इसे मतलब कहीं कहीं भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचने वाला है, वो तार निकल गई है, बाकी देख सकते हो रनिंग कंडीशन में। अगेन डिप कर दिया, मतलब फ़ैन भी चल रहा है पीछे, ये आप देख लीजिए। तो वाटरप्रूफ जो है 100% वाटरप्रूफ रहने वाली yes, है exactly। और इनकी कुछ वारंटी वगैरह भी आप ऑफर करते हो? वारंटी ऑफर करते हैं, हमारे हर प्रोडक्ट की अलग वारंटी होती है। हर प्रोडक्ट्स पे अलग अलग, मतलब किसी में 12 मंथ्स है, किसी में 18 मंथ्स है, किसी में 24 मंथ्स भी है, मतलब 12 से 24 महीने की आपको जो इसमें वारंटी वगैरह है वो मिलती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग टाइप से वारंटी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज कर रहे हैं। बाकी विक्की भैया, ये जो लेजर प्रोजेक्टर्स आते हैं उनके बारे में क्या रहता है अपना? देखिए लेज़र प्रोजेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक स्पॉटलाइट होती है, स्पॉटलाइट प्रोजेक्टर होते हैं, वो बेसिकली कार्स के लिए नहीं होते हैं। उसको यूज़ करा जाता है, आर्म फोर्सेस यूज़ करती हैं, जैसे किसी को टारगेट करना है तो स्पॉटलाइट सीधा उस जगह पे जाए, उसका थ्रो बहुत लंबा होता है, और कई लोग मिसयूज़ करके वीडियोज़ में भी डालते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ में भी डाला हुआ है, वो बता रहे होते हैं लेज़र प्रोजेक्टर स्पॉटलाइट की तरह, बट वो यूज़फुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये होता है कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर है, ये 2 इंच का ही प्रोजेक्टर है, आप देख रहे हैं इसका जो बीम है वो कितना वाइड है, और जो गाड़ी चलाता है उसको वाइड विजन चाहिए होता है, उसको बेसिकली गाड़ी जो चला रहा है उसको आगे की तरफ देखना है कि आगे क्या है, आगे ये नहीं देखना है कि बहुत दूर क्या है, बहुत दूर, बिकॉज आपका विजन तभी क्लियर होगा जब वाइड होगा। हाँ। अगर वो स्पॉटलाइट एक ही स्पॉट पे पड़ रही है तो उसका कोई यूज ही नहीं है। क्यों यूज नहीं है? कि वो स्पॉट पे पड़ रही है, स्पॉट कलर वो बेसिकली आर्म फोर्सेस यूज करती है, जो आपने शूटिंग करनी है कुछ करना है तो उसके लाइक हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे कि बचपन में हम लोग खेला करते थे वो मैग्नेट वाली आया करती थी, बिल्कुल लेजर लाइट जिसको कहते थे, सेम वही पर्पज रहता है, वो पॉइंट पे जाके लगती है, अगल बगल उसमें कोई रोशनी नहीं होती, यूजफुल नहीं होती, वो ड्राइविंग सेंस में यूजफुल नहीं है, हाईवे पे यूजफुल नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि वो अच्छी चीज है। आई थिंक इस टाइप के प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, जो वाइड क्लियरेंस दिखाते हैं, बिल्कुल व्यू क्लियर दिखाते हैं, वो बेनिफिट वाले होते हैं ड्राइविंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे मस्त से कि आप वेट करिए, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ नए प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जो कि हमने नाम हाईलाइट नहीं किया है, उनको आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर भी हम शो करेंगे, बिल्कुल अगर आपने अपना प्यार दिया तो। प्यार तो हम लेके रहेंगे हमारे ऑडियंस से, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।